सके, बिकॉज हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है एंडो के लिए कि हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में स्ट्रेच करें, लेकिन आई विल ट्राई कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको दे दूं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एंडोक्रिनोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स, ठीक है। और हम जब हॉर्मोन्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो हॉर्मोन्स किन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और फिर हम वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। अगर हम मैं बात करूं कि अगर हार्मोन को अगर हम कंपेयर करें न्यूरोट्रांसमीटर से, तो दोनों में क्या फर्क है? क्या कोई हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है या हो सकता है? आप में से कोई मुझे बताएगा जरा, मैं आप देखूं कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कितनी क्लियरिटी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर? कैन द सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन? हाँ जी, एनीवन मुझे माइक अनम्यूट करके बता दे, या पहले मुझे डिफरेंस बता ना। यू आर राइट कि नॉर एपिनेफ्रिन इज अ हार्मोन, इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। आई एम नॉट, यस यू आर राइट। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू सब्सटेंस? जल्दी जल्दी से मुझे कोई अनम्यूट करके बता दे जिसको मैम, पता है जल्दी से। ट्रांसमिटेड इनटू द ब्लड हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक लेफ्ट। ओके, वेरी नाइस। सो हार्मोन जो है क्या होगा, किसी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ठीक है, और डायरेक्टली ब्लड में, इसको हम ट्रांसमिट नहीं बोलेंगे, पोर बोलेंगे, ठीक है। इट्स पोर इनटू द ब्लड, ठीक है। सो इट्स बेसिकली नॉट द सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे कि हार्मोन है, कोई भी ऐसा ग्लैंड जो कि कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो जो है अगर डायरेक्टली जो है ब्लड में पोर हो रहा है तो हम उसको कहेंगे हार्मोन। तो हार्मोन बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्टेंट जगह पे जाके एक्ट करता है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? वही हार्मोन कैन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होगा, तो वही एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली ट्रू विद द एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जीआईटी के बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो आपको पहले बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि इट्स इट्स नॉट द सब्सटेंस जो कि हार्मोन है, इट्स द वे इट इज सिक्रीटेड जिसके बेस पे हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और एक न्यूरोपेप्टाइड होता है। न्यूरोपेप्टाइड और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फर्क होता है कि न्यूरोपेप्टाइड जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। इसके फिर और भी डिफरेंसेस हैं, उसका साइज बड़ा होता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि न्यूरोपेप्टाइड की तरह जीआईटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेन द बेसिक डेफिनेशन इज सेम कि क्या होगा कि जो नर्व टर्मिनल सेल से सिक्रीट होंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, जो ब्लड में डायरेक्टली ग्लैंड से पोर होंगे वो हार्मोन होंगे, पहली चीज। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सेंटर क्या है, मींस इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का जो हमारी बॉडी, अच्छा देखो, अब हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में ना दो कंट्रोल सिस्टम है, वी हैव टू कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। वन इज आर नर्वस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और एंड अनदर इज आर एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली जब हम एंडोक्राइन को देखेंगे तो कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से देखेंगे कि इज सेम एज दैट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि नर्वस कंट्रोल सिस्टम है, मगर इसका डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि इसका जो है ना सेंटर कौन है, तो इसका सेंटर अगेन वही हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि सेंटर मास्टर जो है एरिया ब्रेन का जो कि एंडोक्राइन का ऑब्वियसली कंट्रोल सिस्टम है ना, तो इसका मास्टर एरिया ब्रेन में ही होगा, तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो ग्लैंड में इसका जो कंट्रोल है, दैट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड के अंदर अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ग्लैंड में मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर हम ब्रेन में बात करें तो इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये हॉर्मोन्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, ये हॉर्मोन्स जो है वो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो स्ट्रक्चरली ये तीन तरह के हो सकते हैं, उसी वो ही डिसाइड करता है कि ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। सो आइदर हमारी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स हैं, या तो वो प्रोटीन इन नेचर होंगे, या स्टेरॉइड इन नेचर होंगे, या अमाइन
डेरिवेटिव्स होंगे अमाइन इन नेचर होंगे, ठीक है। ये तो जो हार्मोन्स हैं स्टीरॉइड और अमाइन, ठीक है, इनको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन है इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता तो फिर सेल को अपना मैसेज कैसे देगा, वाया द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होंगे उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और स्टेरॉइड हार्मोन का क्या होगा, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो इसको सेकेंड मैसेंजर नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर जब जाएगा तो सेल के साइटोप्लाज्म में इनके रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और फिर ये डायरेक्टली न्यूक्लियस तक अप्रोच करता है। अब देखो स्टीरॉइड हार्मोन की डायरेक्ट अप्रोच क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, वाया द साइटोप्लाज्मिक जो है रिसेप्टर्स। प्रोटीन हार्मोन की अप्रोच क्या है, वो सेल के बाहर ही खड़ा है, इंसुलिन सेल के अंदर कभी नहीं आता, ठीक है, सही है। जो है यू नेम द हार्मोन, ठीक है, एंड एसिटाइलकोलीन सेल के अंदर नहीं आता। अगेन एसिटाइलकोलीन हमारे पास बहुत सारी जगहों पर अगर हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है तो इट वॉन्ट कम इन टू द सेल, ठीक है। अच्छा इफ यू टॉक अबाउट द जो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इट वॉन्ट कम इन टू द सेल क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है। तो जो हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होगा वो सेल के अंदर नहीं आएगा, वो सेल के बाहर से सेल को इंस्ट्रक्शन देगा, दैट इंस्ट्रक्शन वी कॉल द वाया द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। अब इसने आपका काम मुश्किल ये कर दिया कि आपको सारे हार्मोन्स के सेकेंड मैसेंजर्स पता होने चाहिए, कैसे याद रखेंगे वो हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे हार्मोन आ जाते हैं जो थोड़ा सा ग्रुप है लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, दैट इज द एपिनेफिन और एपिनेफिन। ये अमाइन डेरिवेटिव्स हैं और थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये टायरोसिन अमाइनो एसिड है उसके डेरिवेटिव्स हैं, इनको अमाइन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा इनमें से जो हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, दे कैन अगेन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये वाले नहीं है, इनकी भी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, इसकी, ठीक है। दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इवन दे कैन क्रॉस द न्यूक्लियस विदाउट एनी रिसेप्टर, और इनका भी सारा काम डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ठीक है। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ये जो है सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू काम नहीं करते, ठीक है। अब हम लिस्ट ऑफ द हार्मोन्स देखें तो बहुत देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लिस्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको जो है ना समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द द पिचुट्री, मेरे ख्याल में पिचुट्री के हार्मोन, जी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो अगर हम पिचुट्री के हॉर्मोन्स बात करते हैं तो पिचुट्री हॉर्मोन्स जो है हमारे पास, पिचुट्री जो ग्लैंड है जो हमने कहा मास्टर ग्लैंड है, उसमें हमारे पास एंटीरियर पिचुट्री ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिचुट्री ग्लैंड है, इतना तो सबको पता ही होगा ना, ठीक है, ये तो हमें याद होगा ना, सही। एंटीरियर पिचुट्री ग्लैंड जो है उसके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस का है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी जो है एक्सेस होती है, पोर्टल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और ये रिलीजिंग हार्मोन वाया द ब्लड जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से मोस्टली जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अभी हम लिस्ट देख लेते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जो है बेसिकली हाइपोथैलेमस की ही एक तरह से एक्सटेंशन है, और ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो है एडीएच, ठीक है, और जो है ऑक्सीटोसिन, ये सिंथेसाइज होते हैं और थ्रू नर्व टर्मिनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वाया जो है वो सिर्फ सिक्रीट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं हो रही, दे आर जस्ट
यूज एज अ मीडिया टू रिलीज द एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है. अच्छा अब जो है एंटी पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, अगर आप लोग को प्रीवियस नॉलेज में याद हो तो जल्दी से लिस्ट डाउन करो कि कौन कौन से हार्मोन एंटी पिट्यूटरी के हैं. मैम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग एडीएच मैंने अभी आपको बताया, एडीएच इज नॉट एंटी पिट्यूटरी. ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. मैम टीटीएच मैम टीएसएच मैम जी, एफएसएच एलएच एएसीटीएच बहुत टीटी टीसी टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन मैम एंड ग्रोथ हार्मोन आल्सो ऑलमोस्ट 6 हार्मोन्स ठीक है. और तो दीज आर द 6 हार्मोन लिस्ट, विच आर द हार्मोन्स विच आर एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बता दो, दो ही हार्मोन्स है मैम मैंने बताया, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन एडीएच ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, जिसका नाम दूसरा, वेजोप्रेसिन का ही दूसरा नाम एडीएच. और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे, ठीक है, स्टोर हो रहे ये सिर्फ रिलीज होते हैं यहाँ से, और ये सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होते हैं. अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ये मैंने कहा ये के सारे जो है ना स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, तो इनका पीछे, इसका मतलब है इसका पीछे हाइपोथैलेमस से कोई रिलीजिंग हार्मोन भी होता होगा. तो आपको पता है हाइपोथैलेमस से इन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? अगर मैं बात करूं एफएसएच एलएच की, तो इनके लिए हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, किसी को बताओ? गोनाडोट्रोफिन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं जी एन आर एच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है. अच्छा एसीटीएच के लिए अगेन रिलीजिंग हार्मोन होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक कॉर्टिकोट्रॉप है. टीएसएच के लिए अगेन रिलीजिंग हार्मोन होगा थायरोट्रोपिन टीआरएच रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉप ठीक हो गया. अच्छा जी, और प्रोलैक्टिन के लिए टीआरएच मेमोट्रॉप्स क्या होगा, सॉरी, प्रोलैक्टिन के लिए सीआरएच ही होगा सीआरएच ही होगा. प्रोलैक्टिन के लिए, अच्छा मेमोट्रॉप प्रोलैक्टिन, अच्छा प्रोलैक्टिन कहाँ का काम, देखो प्रोलैक्टिन जो है वो सिर्फ उस वक्त रिक्वायर है जब मदर बेबी को फीड करवा रही है, तो इट मींस के प्रोलैक्टिन नॉर्मली हमें नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है. सो प्रोलैक्टिन को का रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, बल्कि प्रोलैक्टिन को स्टॉप करने वाला हार्मोन होगा, एंड यूजुअली दैट इज डोपामिन, ठीक है. सो बेसिकली प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड, प्रोलैक्टिन इनहिबिट रहता है, अगर ये डोपामिन हट जाएगा, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा. तो अगर मदर या फीमेल है तो वो उसमें लैक्टेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, विदाउट जो हैविंग बेबी, ठीक है. और मेल के अंदर जो है जिसको हम गैलेक्टोरिया कह सकते हैं, तो बेसिकली ये जो है प्रोलैक्टिन, इसका कोई रिलीजिंग हार्मोन नहीं. क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर? ठीक हो गया, तो यहां तक हमने बात कर ली. अच्छा अब हम आ जाते हैं इनके सेकेंड मैसेंजर्स पे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आपको रट्टा ही लगाना है, लेकिन इसकी कुछ है ना न्यूमोनिक्स भी है, और कुछ थोड़ा सा हम सेंस भी लगा के सोचेंगे कि कौन से हार्मोन्स हैं जो किस सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं. बट बिफोर गोइंग टू सेकंड मैसेंजर वी मस्ट नो कि व्हाट आर द डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स, ठीक है. किसी को नाम पता है सेकंड मैसेंजर के? जी एनीवन सेकंड, मैम एडीनालाइट साइक्लेज यस, और देन सही है, एडीनालाइट साइक्लिक, जैसे साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम, यस, गुआनिल साइक्लिक, ओके, साइक्लिक जीएमपी, ठीक हो गया. और जल्दी जल्दी, टायरोसिन काइनेसिस यस, टायरोसिन काइनेसिस, यस, यू आर वेरी राइट, टायरोसिन काइनेसिस सेकंड मैसेंजर सिस्टम. और सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं ना, सेप्टस के ऊपर सेकंड मैसेंजर काम करता है, इन सर्पेंटाइन पे ये सारे सर्पेंटाइन वो रिसेप्टर, जी आई, लिंक ही यस, होगा IP3DAG सिस्टम, IP3N DAG सिस्टम, ओके मैम एड्रिनालिन ओके, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, टायरोसिन काइनेस, ठीक है, एंड IP3DAG, सही. और कैल्शियम कैलमोडुलिन भी एक होता है, ये मेनली सेकंड मैसेंजर्स है, ठीक हो गया.
ये सारे, यानी ये जो हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, जो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुए थे उनका नेचर क्या था? ये जो हमने बात की CRH हो गया, जो है ना TRH हो गया, गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, इन सब का नेचर क्या? ये रिलीजिंग हार्मोन था, इनका नेचर क्या है? देखो ये नेचर में तीन तरह से हो सकते हैं, या ये प्रोटीन होंगे, ठीक है, या ये स्टीरॉइड्स होंगे, या ये अमाइन होंगे। तो ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इनका नेचर क्या है? पहले तो नेचर डिसाइड करेगा ना कि इनको सेकंड मैसेंजर से काम करना है कि नहीं करना। प्रोटीन ये प्रोटीन कैरियर होते नेचर के इन होते हैं। नेचर, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सही है। हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हुए, वो भी पिट्यूटरी हार्मोन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर प्रोटीन इन नेचर हैं, सही है, अभी हम सिर्फ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर सेकंड मैसेंजर सिस्टम काम करता होगा। यानी ये जब काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, उसको सेल मेम्ब्रेन पे एक अपना मैसेंजर चाहिए कि जो सेल के अंदर जाके उसका काम करे, ठीक हो गया। FSH है, जब वो रिलीज होगा तो वो जो है किसी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, जो है वहां पे रिलीज, वहां पे जाके सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो जाके उसका काम करेगा। क्लियर है ये चीज? ये सेकेंड मैसेंजर बात समझ में आती है? यस ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये सेकेंड मैसेंजर्स काम कैसे करते हैं। अच्छा किसी को याद होगा, हमने जब मैंने आपको IP3DAG की बात बताई थी, तो मैंने आपको बताया था IP3DAG कैसे काम करता है, और हमने उसको सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में याद भी किया था कि जिस जिस जगह पे क्या हो रहा है। जल्दी से कोई मुझे याद दिला दे, जिस जिस जगह पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन्वॉल्व है ना। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल की नहीं बात करें, स्मूथ मसल, वहां वहां पर जो है IP3DAG सिस्टम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही, मुझे याद आया था तो मैंने कहा मैं आपको रिपीट करवा दूँ ये बात। अच्छा जी, पहले हम मैसेंजर्स देख लेते हैं कहाँ के। जी कार्डियो में भी यही होगा। बिल्कुल, जहां जहां पे देखो कार्डियो के अंदर जो है ना हमारे पास β1 रिसेप्टर्स हैं हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर जो है ना मेनली क्या हो रही है, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है साइक्लिक एएमपी काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवा रहे हैं GIT के अंदर, ठीक है, तो वी नीड द DAG IP3 सिस्टम, ठीक है, या हम स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करा रहे हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वी नीड द DAG IP3 सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पहले सेकंड मैसेंजर्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे समबडी सेड कि ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, सर्पेंटाइन का मतलब क्या होता है कि इसके 7 दफा ये मेम्ब्रेन, ये जो है मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करते हैं, तो दे आर सर्पेंटाइन, 1 2 3 4 5 6 7। सो बेसिकली सर्पेंटाइन का क्या मतलब है कि दीज आर द रिसेप्टर्स विच क्रॉसेस द मेम्ब्रेन 7 टाइम, ठीक है, ये दीज आर द लेबाइल रिसेप्टर्स, ठीक है, हार्मोन यहाँ आके लगा इन रिसेप्टर के ऊपर, और जो भी उसका मोड ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से उसने काम किया। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दैट हार्मोन इज वर्किंग थ्रू साइक्लिक एएमपी सिस्टम, एज यू सेड के साइक्लिक एएमपी इज अ सेकंड मैसेंजर, तो ये कैसे करेंगे कि इनकी GS स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है, ये इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और GS प्रोटीन जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ATP की साइकिल बना देता है, ठीक है, और ATP की साइकिल जो है वो क्या करती है, बेसिकली काइनेजेस को एक्टिवेट करती है। रिमेम्बर काइनेजेस का काम जो है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना होता है, ठीक है, ये काइनेजेस जो है वो फॉस्फोलाइजेशन कराते हैं प्रोटीन्स की, और इससे फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। जब इस साइकिल को तोड़ना होता है तो दूसरा एक एंजाइम आ जाता है जिसको फॉस्फोडाइस्ट्रेस कहते हैं। सो बेसिकली कहीं भी साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होगा, ठीक है, वो इसी एक्शन के थ्रू काम करेगा। इज दिस क्लियर? यस मैम, ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पे, दैट मैम एक बार इज फिर से IP। रिपीट कर दीजिएगा। ओके सो हार्मोन आके, हार्मोन ने आके, ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हार्मोन ने आके जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड किया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड किया जो कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर था, ठीक है।
बाइंड किया और उसने क्या किया, जीएस प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ठीक है, जीएस प्रोटीन ने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी को साइकिल बना दिया। ठीक है, साइक्लिक एएमपी का मतलब है कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो साइकिल की फॉर्म में आ गया, और उसने काइनेजिस को एक्टिवेट किया, काइनेजिस ने फॉस्फोलाइजेशन की जिससे फिजियोलॉजिकल एक्शन हुआ। जब इस साइकिल को तोड़ना होता है तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है जो इस साइकिल को तोड़ के 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि साइकिल जो है वो टूट जाती है। क्लियर, थैंक यू मैम। ठीक हो गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट IP3DAG सिस्टम, सेम वही रिसेप्टर है। ठीक है, सेम रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने वही किया, जी प्रोटीन से रिसेप्टर से बाइंड हुआ हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर था, ये भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर था। जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई। ठीक है, जी प्रोटीन ने यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज की जगह पे फॉस्फोलाइपेज सी को तोड़ा, किस, ठीक है, और फॉस्फोलाइपेज सी को सॉरी एक्टिवेट किया जिसने PIP2 को तोड़ा। PIP2 इज फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, PIP2। लाइपेज ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड से ही एक इंग्रेडिएंट तोड़ा PIP2, जो के दो चीजों में कन्वर्ट हुआ, DAG डायसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में। समझ आई बात, फॉस्फोलाइपेज ने क्या किया, जब एक्टिवेट हुआ उसने सेल मेम्ब्रेन से ही PIP2 को दो स्ट्रक्चर में तोड़ा। ठीक है, DAG और IP3। ठीक है, IP3 ने क्या किया, कैल्शियम रिलीज कराई, मैंने आपको बताया था IP3 इज रिलेटेड विद द कैल्शियम। DAG ने क्या किया, DAG ने डिफरेंट काइनेजेस को एक्टिवेट किया, अगेन काइनेजेस क्या करेंगे, फॉस्फोलाइजेशन करेंगे, और एंजाइम जो होते हैं वो फॉस्फोलाइजेशन से एक्टिव भी होते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, साथ में DAG जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिंस की सिंथेसिस भी करवा सकता है। तो वो हार्मोन्स जो थ्रू DAG IP3 सिस्टम के थ्रू काम करेंगे वो इस तरह से काम करते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे पे, दैट इज द टायरोसिन काइनेज। अच्छा, हमने साइक्लिक जीएमपी की बात नहीं की, साइक्लिक जीएमपी सेम एज दैट ऑफ द साइक्लिक एएमपी। ठीक है, सिर्फ उसकी जगह पे जो एटीपी की जगह पे जो है ना जीटीपी होगा। ठीक है, वो ये सॉरी एक मिनट मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन, जहां जहां पे साइक्लिक जीएमपी बनेगा, जहां जहां के पे सेकंड मैसेंजर साइक्लिक जीएमपी होगा वहां पे क्या होगा, इस एडिनाइल साइक्लेज की जगह गुआनाइल साइक्लेज होगा। ठीक है, ये जीटीपी होगा और ये साइक्लिक जीएमपी होगा। क्लियर है ये चीज? सो एटीपी या जी हो या जीटीपी हो, इसी तरह से काम करेगा, सिर्फ एंजाइम्स का फर्क हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन हमारे सेकंड मैसेंजर क्लियर कवर हो गए। अब हम आ जाते हैं चौथे पे, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टायरोसिन काइनेज। ठीक है, अच्छा, टायरोसिन काइनेज किस तरह से काम करता है? टायरोसिन काइनेज जो बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी हमेशा डाइमराइजेशन होती है। डाइमराइजेशन का क्या मतलब होता है, कभी भी ये दो होते हैं, पहले क्लीन कर लूं, एक ये रिसेप्टर है एक ये रिसेप्टर है। ठीक है, जब इन पे आके जो भी रिस्पेक्टेड हार्मोन होता है, ठीक है, वो अटैच होता है तो इन दोनों पे ही अटैच होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो है, इन दोनों का ये दोनों नेयर आ जाते हैं और फिर कास्केड ऑफ रिएक्शन होता है। सो बेसिकली टायरोसिन काइनेज जो है वो जो काम करता है वो जैक स्टेट पाथवे के थ्रू करता है जो कि न्यूक्लियस तक रीच करता है। ठीक है, सो जैक का मतलब होता है ये काइनेजेस है। ठीक है, जेनस जो है एक्टिव काइनेजेस रिसेप्टर्स है, स्टेट का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सिग्नल ट्रांसड्यूसर पाथवे। सो बेसिकली ये वाला जो पाथवे है ये न्यूक्लियस तक जाता है। अब रिमेम्बर, टायरोसिन काइनेज से कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो किसी वजह से किसी भी तरह से ग्रोथ में इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से हार्मोन्स यू नो के जो कि ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। इंसुलिन यस, वी ऑल नो इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, इट्स एनाबॉलिक हार्मोन। यस, ग्रोथ हार्मोन खुद, ठीक है, फिर चाहे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो, चाहे वेस्क्यूलर ग्रोथ फैक्टर हो, ठीक है, चाहे जो है ना जो है प्रोलैक्टिन हो, मिल्क, ठीक है, जितने भी ये हार्मोन्स हो। जी, टोमेटो स्टेटिन सोमेटोस्टेटिन इज एन इनहिबिटरी हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन इज नॉट, इट स्टॉप्स द ग्रोथ, इट डज नॉट कॉज द ग्रोथ।
ठीक है, तो जितने भी हार्मोन जो कि ग्रोथ के साथ, जैसे कि प्लाज्मा ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जैसे कि जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि वेस्क्यूलर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन इटसेल्फ, ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ, जितने भी ग्रोथ कराते हैं ना वो सारे के सारे, उनका जो सेकंड मैसेंजर है वो टायरोसिन काइनेज है। रिमेम्बर, इंसुलिन का सेकंड मैसेंजर इज टायरोसिन काइनेज। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स पे। स्टीरॉयड हार्मोन है कौन कौन से हमारी बॉडी में? सो रिमेम्बर, स्टीरॉयड एड्रिनल कॉर्ट, ठीक है, और हमारे बॉडी के सेक्स हार्मोन्स है। हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स सेक्स हार्मोन के चक्कर में, हम FSH और LH को भी स्टीरॉयड हार्मोन कंसीडर कर लेते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ये प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, सो सेक्स हार्मोन में हमारे पास क्या क्या आ गया? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्टेक्स के कौन टेस्टोस्टेरॉन, से हार्मोन आ गए? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रिनल एंड्रोजन्स। ठीक है, उसके बाद स्टेरॉइड में और क्या आ सकता है? जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, जैसे विटामिन डी हो गया, सही है, सो वो जो है स्टेरॉइड जो है की तौर पे, स्टेरॉइड हार्मोन के तौर पे काम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? नॉट एनी अदर हार्मोन वर्क्स थ्रू द स्टेरॉइड रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लियर? हाउ दे वर्क? दे कैन इजिली क्रॉस द यस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वेट के सेकंड मैसेज, बिकॉज दे आर लिपिड परमेबल। ठीक है, वो प्रोटीन थे, वो लिपिड परमेबल नहीं थे। ठीक है, दे बाइंड टू द रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये रिसेप्टर के साथ मिलके जाएंगे न्यूक्लियस के, अपने रिसेप्टर पे अप्लाई अटैच होंगे और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे और उनका फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा। एनी कंफ्यूजन इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फॉर्म? अब सवाल पैदा, अब हमें कौन कौन से हॉर्मोन्स के मोड ऑफ एक्शन पता चल गए? मैंने आपको टायरोसिन काइनेज वाले बता दिए, ठीक है, मैंने आपको स्टीरॉइड वाले बता दिए, ये दो हो गए स्टीरॉइड मैकेनिज्म एक्शन, और मैंने एक हार्मोन का बताया था वो है थायराइड हार्मोन का। लेकिन थायराइड हार्मोन और स्टीरॉइड के एक्शन में फर्क क्या है? कि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में नहीं होते, वो डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक हो गया, ये हमें याद हो गए, ये भी पता चल गए। साइक्लिक जी जीएमपी के दो ही हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, एक एएनपी और एक नाइट्रिक ऑक्साइड। एएनपी इज एट्रियल नेट्रीरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, जो कि बीएनपी भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बी टाइप एएनपी, ठीक है, ये नेट्री यूरेसिस करता है, नेट्री यूरेसिस। नेट्रियम किसको बोलते हैं? नेट्रियम इज सोडियम, सोडियम, ठीक है, नेट्री यूरेसिस, इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम को ब्लड यूरिन में यूरिन में ज्यादा निकालता है, ठीक है, एएनपी, ठीक है, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, नाम में ही इसका काम लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा वेजो डायलेटर कौन सा है? वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलियल ड्राइव जो है रिलैक्सिंग फैक्टर, सही है, ये वो वाला है जिसको हम जो है ना वाइग्रा वाला जो वेजो डायलेटर, ठीक है, लेकिन ये हमारी ब्लड वेसल्स की वेजो डायलेशन करवाता है। ये हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, कि ये कहाँ पे बॉडी में किस तरह से एज अ वेजो डायलेटर सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन है। ठीक हो गया, ये हमें याद हो गए, ये हमें समझ आ गया, ये आ गए, अब हमारे रह गए ये वाले। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम इसका न्यूमोनिक बना लेते हैं, तो ये साइक्लिक एएमपी, इसके अंदर देखो साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है चैंपियन छुपा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको चैम्प बना लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका एब्रीवेशन है फ्लैट चैम्प। ठीक है, बाकी जितने हार्मोन रह गए ना वो IP3 सिस्टम में आ गए, लेकिन इसका भी न्यूमोनिक है, अगर आपको याद करना हो, मैंने तो इसी तरह याद किया कि बाकी जो रह गया वो जो है इसमें आ गया, इसका निमोनिक है गोट हैग। ठीक है, अच्छा थोड़ा लॉजिक लगा के याद करने वाला जो तरीका है उसमें मैंने जो जिस तरह से याद किया हुआ है, एंटीयर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, वापस से रिवाइज करते हैं जल्दी से, 6 हार्मोन, ठीक है,
ACTH, FSH, LH, prolactin, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और TSH, यही है ना छह। ठीक है, अब इसमें से मैंने कहा कि जो ग्रोथ से रिलेटेड है वो तो टायरोसिन काइनेज में चले गए, ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन टायरोसिन काइनेज में चला गया और प्रोलैक्टिन टायरोसिन में चला गया, बाकी कितने रह गए, चार रह गए, ये चार सारे के सारे कैम के थ्रू काम करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन दो उधर चले गए और बाकी जो बचे वो इधर काम करते हैं। जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो ज्यादातर देखो तो यहाँ देखो, रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, तो आप एक थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के भी याद कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो ADH यहाँ भी है और ADH यहाँ भी है। अब आप मुझे बताओ V1 रिसेप्टर्स के थ्रू ADH क्या करता होगा और V2 के थ्रू क्या करता होगा? मैंने अभी आपको एक बात बताई थी विच इज रिलेटेड विद द कैल्शियम। जी जल्दी से मुझे बताओ V1 के थ्रू क्या करेगा ADH और V2 के थ्रू क्या करेगा? वेसल्स के लिए V1 तो स्मूथ यस, वेसल्स पे होता है ना V1 इज रिसेप्टर, फॉर स्मूथ मसल्स बिकॉज ये कैल्शियम से रिलेटेड है, और और वी टू V2 जो है इज वो रिलेटेड, अपने डेंसिटी और यस, तो आपको याद हो जाएगा कि V2 साइक्लिक एएमपी के थ्रू होगा और V1 थ्रू वेसल्स होगा। ठीक हो गया? सो मेजॉरिटी हार्मोन्स आप इस तरह से भी कवर कर सकते हो। अगेन α1 रिसेप्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं स्मूथ मसल्स के स्फिंक्टर्स की, तो यू कैन सी α1 अगेन इन द कैल्शियम हियर। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन क्या करता है? वेसल्स को टेंशन ही देता है, वेसल्स को टेंशन देता है ना एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन का नाम ही इसीलिए एंजियोटेंसिन है कि वो वेसल्स को टेंशन देता है। अगेन वेसल्स को टेंशन देने का क्या मतलब है? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क लेट डाउन करता है, निपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगेन मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, IP3 के थ्रू काम करेगा। तो अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो बाकी जो बचेंगे आप उधर डाल दो। क्लियर है ये चीज? जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट वंस ओके सो दैट इट्स इजी टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैम, कंसेप्ट हो गया इनका, ओके क्योंकि ये चीजें याद करने वाली हैं, ये थोड़ा सा याद जी, करेंगे तो सर जी। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रोथ हार्मोन। यस मैम, श्योर। अच्छा, अब हमने ग्रोथ हार्मोन, हमने पिट्यूटरी की बात कर ली कि इट्स एन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोटल सिस्टम है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हैं दे आर वाया द न्यूरल टिश्यू, वो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली नर्व फाइबर के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, अगेन कुछ चीजें रिकॉल की हैं मैं जस्ट अब फास्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। TSH, LH और FS एक ही फैमिली के हार्मोन्स हैं, आपको MCQs में आ सकता है, ठीक है, ये चीजें। और ACTH के जो पैरेलल डेरिवेटिव्स हैं वो MSH भी है, लाइपोट्रोपिन भी, एंडोर्फिन्स भी है, ठीक है, ये सब के सब जो है प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन के डेरिवेटिव्स हैं। इसी इसी की वजह से क्या होता है, जब ACTH के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, चाहे वो जो है प्राइमरी जो है कुछ वो, चाहे वो कुशिंग डिजीज की वजह से हो, चाहे वो जो है एड्रिनल ग्लैंड जब डिस्ट्रॉय हो जाए उसकी वजह से हो, तो साथ में जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो MSH की वजह से हो रही होती है, क्योंकि जब ये टूटेगा ज्यादा तो ये बनेगा तो ये भी बनेगा। ठीक है, सो उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन पे। अगेन ग्रोथ हार्मोन का सेकेंड मैसेंजर क्या है, जल्दी से बता दो मुझे, अभी हमने बात की है, टायरोसिन यस, टायरोसिन काइनेज, काइनेज, ठीक है, और इसको अगर हम होमोलोगस बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन की तरह का हार्मोन होता है। अच्छा, आपको पता है सबसे कॉमनेस्ट जो एडिनोमा होता है पिट्यूटरी का वो कौन सा होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन का एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन? माइक्रो एडिनोमास या मैक्रो एडिनोमा? सबसे कॉमन होता है प्रोलैक्टिनोमास, ठीक है, सबसे कॉमनेस्ट जो एडिनोमा है ना दैट इज प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है, ये सबसे कॉमनेस्ट है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेशन। अच्छा, हर हार्मोन जो आपने करना होगा ना उसकी रेगुलेशन, आपने क्या क्या करना है हार्मोन का रेगुलेशन करनी है। रेगुलेशन में का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज उसकी सिंथेसिस को बढ़ा रही है, कौन सी चीज उसकी सिंथेसिस को कम कर रही है। हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, विल रीजॉइन अगेन, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ।
अच्छा, उसके बाद आपने करना होगा कि वो हार्मोन काम क्या क्या करता है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये दो चीजें आपको हर हार्मोन की आनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज आपको आनी चाहिए, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर बढ़ना एडल्ट्स में और बच्चों में क्या इनका कोई डिफरेंस है, ठीक है, बढ़ना या कम होना वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चार एस्पेक्ट पता है तो आपने उसकी फिजियोलॉजी कवर कर ली, ठीक है। तो अगर हम जल्दी से ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन को कौन कौन सी चीजें बढ़ाती हैं, ठीक है, सो स्लीप इंक्रीजेस द, ये सारे आप याद कर लो, ठीक है, लेकिन ये कि स्लीप जो है इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन, प्यूबर्टी, एक्सरसाइज, हाइपोग्लाइसीमिया, स्टार्वेशन, ये सब ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, सब एमसीक्यूज है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करेंगी, हाइपरग्लाइसीमिया, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी डिक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत दफा एमसीक्यू आता है,